जाना बेटा, ठीक है? तो ढूंढना उसको, बोलो ना प्लीज जाने दो मुझे। मैं जाऊंगी ना, मैं एक आवाज लगाऊंगी तो वो आ जाएगा मेरे। मैं वो आ जाएगा, मैं एक आवाज में आ जाएगा। उसे ढूंढ रहे ना, तू चिंता मत, अभी मिल जाएगा शौर्य बाबू। दो मिनट बैठ, बैठ तो सही नहीं ना। मैं बोल नेहल, नेहल पानी दे, अच्छा पानी मिल जाएगा। रो मत, अब शुगन होता है। सुन, अच्छी दोस्त है ना मेरी, कमरे से बाहर मत जाने देना। हाँ ताई जी, ताई जी एच जी मिल जाएंगे ना? हाँ बेटा जरूर मिलेंगे, कहाँ जाएगा वो? तू बस रोना नहीं और दी का ध्यान रखना। हाँ तो बाहर मत निकलने दे, चल चल। फोन अंदर डाल के बैठा है, किसी बिल में घुस गया जकी। भरोसे का आदमी है ना, कहीं ये ना हो कि कल हमें ही कॉल करके हमसे फिरौती मांगे। तुम मेरा दिमाग ना खराब करो अभी। क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हैं संजय जी। जी हाँ, परेशान होने की तो बात है, शादी है मेरे भांजे की और वो खुद गायब है, मिल नहीं रहा तो परेशान नहीं होंगे? और अगर मिला नहीं इंस्पेक्टर साहब तो आप भी परेशान होंगे। इंस्पेक्टर साहब। खन्ना साहब नमस्कार। Exactly, हुआ क्या था? मैं बताता हूं आपको हुआ क्या था। जब दोनों फैमिलीज मिलके खाना खा रही थी, बेटी थोड़ा तो पानी पी लो ना। शांत हो जाओ ना बड़ी दादी, ऐसे कलेजा चलाने से थोड़ी मिल जाएगा शौर्य। और पीड़ी अब तो पुलिस भी आ गई है ना, सब ठीक हो जाएगा। मेरी मेरी लड्डू की शादी में पता नहीं बार बार इतने विघ्न क्यों आ रहे हैं। आगे बेचारी बच्ची ने क्या कम इम्तिहान दिए। और अब जी सब ठीक हो? अभी हमें हमारी इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। बस एक बात बताइए, आप दोनों के बीच तो 36 का आंकड़ा था, अचानक मौसम कैसे बदल गया? इंस्पेक्टर साहब ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। इतना बड़ा इंडस्ट्रीज गायब हुआ है और कल तक नहीं मिला ना तो दिल्ली के सारे अखबारों में यही खबर छपी होगी। और एक बात सुन लो, जब तक मिस्टर शौर्य खन्ना नहीं मिल जाते हमारा शक सब पर रहेगा। महक बेटा क्या कर रही है तू? चाची मैंने 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 शौर्य को बोला था वो आने वाला है, मैं बस उसका इंतजार कर रही हूँ। यही हमने मिलने का बोला था, वो आएगा ना तो मैं यही बैठी हूँ उसके लिए तब तक। अब चिंता मत करो, आ रहा है, आ रहा है वो। सब चाहो इसको। क्या कर रहे हो? मैं कह रही हूँ आने वाले पंडित जी को बुलाओ प्लीज, वो आने में होगा, वो आने में होगा। ऐसा थोड़ी अच्छा लगता है। नहीं 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 नहीं
सुनो, वो आएगा, वो ऐसे थोड़ी छोड़ के जा सकता है। बेटा अपने आप को सजा देने से शौर्य नहीं आएगा। क्यों जिद कर रही है, क्यों यहाँ बैठी है? चल माँ, ये मेरी जिद नहीं है, ये मेरा विश्वास है। वो आएगा, मैंने उसे वादा किया था कि मैं उसका यही इंतजार करूंगी, इसी मंडप में, इसी शादी के जोड़े में बैठूंगी। वो आएगा, वो ऐसे थोड़ी छोड़ के जा सकता है। अच्छे अच्छे बात तो सुन, वादा किया था, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। बच्चे तो अंदर तो चले, समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मतलब इसकी सारी उम्र इसी मंडप पे कटे, क्योंकि तेरा शौर्य वहां जा रहा है जहां से सिर्फ राख वापस आती है। अगर जग्गी ने शौर्य को नहीं उठाया तो फिर शौर्य गया कहां? समझ में नहीं आ रहा क्या खेल चल रहा है। हमारे भांजे के दुश्मन भी तो कम नहीं है। ओए चुप प्रसाद, जग्गी ने शौर्य को नहीं उठाया, क्या चल रहा है? तू कोई अलग गेम तो नहीं खेल रहा मेरे साथ? मैं कोई अलग गेम क्यों खेलूंगा? बल्कि मुझे तो ये डर है कि अगर कहीं शौर्य को पता चल गया कि मैं आप लोगों के साथ हूँ तो मेरा तो करियर खत्म हो जाएगा। भाव में क्या करियर तेरा, बात कर रहा है? जा जाके देख क्या चल रहा, पता कर। मैं सोच रहा हूं मैं कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड चला जाऊं। अगर जग्गी ने पुलिस को पकड़ लिया और उस कथा ने कुछ पक दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्यों डर के भाग रहे हो? इसे डर नहीं कहते, अकलमंदी कहते हैं। तो तुम्हारे 50 ग्राम के दिमाग को समझ नहीं आएगा। मशहूर हस्ती शौर्य खन्ना अचानक लापता हो गए। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि शौर्य खन्ना के साथ क्या हुआ? इस खबर से जुड़ी हर जानकारी के लिए आप देखते रहिए Zee News।